डेली टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा और यहाँ पर है मेरे पास बहुत ही कमाल की डेली टेक न्यूज़। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। पहले न्यूज़ जो निकल गई वो एप्पल की तरफ से, और एप्पल जो है वो लेकर आएगा मे बी 1.78 इंच की एप्पल वॉच एयर पावर 11 इंच का आईपैड प्रो अपने आने वाले इवेंट के अंदर जो फॉल में होगा। डेफिनेटली आईफोन्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ लीक्स ये भी कह रहे हैं कि और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे। अगली न्यूज़ जो निकल गई है वो सैमसंग की तरफ से, और एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग हो सकता है CES 2019 के अंदर गलेक्सी एक्स जो है वो अनवील करे। गलेक्सी एक्स जो है वो S10 नहीं है, गलेक्सी एक्स वो डिवाइस होने वाली है जो फोल्डेबल डिवाइस होगी, जिसका हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सैमसंग जो है वो 2.5 साल से बात कर रहे हैं कि वो फोल्डेबल डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं। देखते हैं अब डिवाइस CES 2019 के अंदर निकल कर आती है या नहीं। अगली न्यूज़ जो निकल के ये वो एक दफ़ा फिर सैमसंग, एप्पल और LG की तरफ से है। जो एप्पल जो है वो नॉर्मली करता क्या है, वो सैमसंग जो अपनी डिस्प्लेस बनवाता है। अब सैमसंग ने इस साल, मतलब जो पिछला साल गुजरा उसके अंदर $22 बिलियन कमाया एप्पल को डिस्प्ले देते हुए, लेकिन एप्पल ने इस बार डिसाइड किया है कि वो सैमसंग से डिस्प्ले नहीं बनाएगा बल्कि LG से जो अपनी डिस्प्लेस LCD और OLED पैनल जो है वो इस बार LG से बनवाएगा। तो देखते हैं इस बार कुछ अच्छा निकल कर आता है या नहीं, और इनका डिसीजन जो है वो ख़राब तो नहीं जाता। अगली न्यूज़ जो निकल गई है ये वो ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर ने कल असल में काफ़ी अकाउंट जो है जो लॉक्ड अकाउंट से उनको बंद किया। लॉक्ड अकाउंट वो होते हैं जो नॉर्मली फेक अकाउंट होते हैं या लोग चलाकर छोड़ देते हैं, यूज़ नहीं करते, तो उनको बंद किया। इसको बंद करने की वजह से जो पाकिस्तानी काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह के शुएब मलिक हो गया, हमजा अली बासी हो गया, उमर सैफ हो गया, बहुत से लोग हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स जो है वो कम हुए हैं। मतलब यहाँ पर उमर सैफ की अगर हम बात करें तो इनके 295K फॉलोअर्स थे, जिसके बाद इनके 200K फॉलोअर्स रह गए, इनके 95,000 फॉलोअर्स कम हुए हैं। तो ट्विटर ने काफ़ी जो है वो सख्ती की है अकाउंट्स को लेकर, जो फेक अकाउंट्स हैं या लॉक्ड अकाउंट्स हैं। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी है। डेफिनेटली इलेक्शन के दिनों तो पब्लिक हॉलीडे होगी। अब मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि आप अपने वोट की डिटेल्स किस तरह ले सकते हैं, तो उसका कार्ड मैं यहाँ पर दे दूँगा, आप जाकर वीडियो चेक कर लें। अगली न्यूज़ जो निकल के आई है वो आईफोन की तरफ से, आईफोन 7 किसी का गुम हुआ समंदर के अंदर, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था कवर के अंदर डाल के वाटरप्रूफ, लेकिन उसे मिला नहीं, लेकिन कोई डाइवर था जो पानी के अंदर जा रहा था, मतलब जंप लगा के, तो उस इत्तफाकन उस मोबाइल के ऊपर मैसेज आया किसी का, उसको लाइट नजर आई, इसने जाके पकड़ा और उसको वो मिल गया, उसने जिसका वो असल में डिवाइस थी उसको वापस पहुंचा दिया। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो गूगल मैप्स की तरफ से, और कल आपको पता लाहौर की क्या सिचुएशन थी। अब लाहौर में लॉकड जो रोड जो है वो ब्लॉक नहीं हुई थी, मेन रोड्स ब्लॉक थी लेकिन ज़्यादा रोड ब्लॉक्स नहीं हुई थी, लेकिन जो लाहौर के लाहौरी शहरी है उन्होंने ये क्या किया कि गूगल मैप्स के ऊपर जगह जगह जो है वो लगाने लग गए कि ये रोड भी ब्लॉक है, ये रोड भी ब्लॉक है, और लाहौर का कल का मैप जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक नज़र आ रहा था, लेकिन असल में वो ब्लॉक नहीं था। यार कुछ तो ध्यान रखो। अगली न्यूज़ निकल गई वो एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने चैनल से नया मैकबुक जो है वो रिलीज़ कर दिया, मैकबुक प्रो जो आएगा 8th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर के साथ। अब इसमें डिस्प्ले को बेहतर किया गया है, डिज़ाइन बिल्कुल वही है लेकिन डिस्प्ले बेहतर है, कीबोर्ड में इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, बाकी सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स की गई है, डेफिनेटली रैम ज़्यादा की गई है, प्रोसेसर बेहतर किया गया है, लेकिन डिज़ाइन कम्प्लीटली आपको वो भी मिलेगा। अब अगर इसकी फुल स्पेक्स वाली प्राइस देखी जाए तो वो निकल कर आती है $6,700, जो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हाई है बॉस। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो ओप्पो की तरफ से, ओप्पो ने जो है वो कंफर्म कर दिया कि ओप्पो फाइंड एक्स पाकिस्तान के अंदर 19 जुलाई को है जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस के बारे में बात कर, जो अब तक की प्राइस निकल रही वो आई है 1.5 लाख रुपये, मतलब 1,50,000 चाइना की डिवाइस के लिए ओप्पो, इतना तो एप्पल भी महंगा नहीं था यार। देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल प्राइस क्या निकल कर आती है, लेकिन अभी तक के जो रूमर्स हैं वो यही प्राइस सजेस्ट करते हैं। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो गूगल क्रोम की तरफ से निकल गई, गूगल क्रोम की नई अपडेट के अंदर जो है वो गूगल क्रोम जो है वो आपकी रैम थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसकी वजह ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट दी है, यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दी है कि सिक्योरिटी बेहतर की जाए, परफॉर्मेंस की ख्याल है, तो यहाँ पर ठीक है परफॉर्मेंस जो रैम जो है वो थोड़ी ज़्यादा ली जाएगी लेकिन सिक्योरिटी आपको अच्छी दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपडेट है।
अगली न्यूज़ जो निकल के आई है वो फाइबर ऑप्टिक केबल की तरफ से है। ये पाकिस्तान और चाइना को जो है वो पाकिस्तान और चाइना ने इनॉग्रेट किया है। ये जो प्रोजेक्ट था ये हुवावे का था। अब ये केबल जो है ये पाकिस्तान से निकलते हुए चाइना को जाकर मिलती है। ये केबल जो है वो 822 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर करीब करीब $44 मिलियन लगे हैं। अब ये केबल जो है ये रावलपिंडी से स्टार्ट होकर खुंजराब पास तक जाती है, जो आगे चाइना से कनेक्ट होती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो इंटरनेट की स्पीड है, जो नेटवर्क की स्पीड है, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अनाउंस कर दिया कि Mi A2 पाकिस्तान के अंदर 24 जुलाई को लॉन्च होगा। ये डिवाइस बहुत ही कमाल की निकल के आने वाली है। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, मैं और डेफिनेटली वीडियोस लेके आऊँगा। इसके जरिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये थी आज की कुछ डेली टेक न्यूज़। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए डेली वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो के तरह मैं फिर मिलूंगा आपसे कल अगली वीडियो के तहत। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।